ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह अकबर। उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुइनद्दीन। मिंबर पर जलवागर शहजादे मखदूमे सिन्हा मखदूमे गिरामी कद मुजाहिदे इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद आलमगीर अशरफ साहब कुल्ला शफी जिलानी वो जमीन अर्श मकाम सादात गिराम जरूर एहतराम जरूर एहतिशाम बासफा उलमाए किराम हाजरीन महफिल पर्दा नशीन माओ और बहनों अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो पुलिस वाले के हाथों में डंडा है उनसे गुजारिश है कि वो मजमे से बाहर हो और डंडे का इस्तेमाल ना करें। भाई आप लोग उधर साइड हो गए मेरे भाई, ये जो खाकी वर्दी में जो अहबाब हैं ये डंडे का इस्तेमाल ना करें, वो सब लोग बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। आइए हमारा मिलकर इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत कहीं से बेकसा चारसा से दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फकीरों की सरवर शहर यार इरम ताजदार हलम नौ बमारे शफा शब असरा के दूला नौ शे बल्कि जन्नत दानाए सुकुल मौलाए कुल कलम रसुल खुसरवे खुबा सयाद लामका वजह कुनफका दुर्रिल्ला के मकनून सिर्दिल्ला के मकतून आली में माताना वमा यकून आबो के अंबिया जानो दिले असलिया मतलए हर सहादत नफ़े हर सियादत खुलासाए कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर मेरे साथ पढ़े बुलंद आवाज से अस्सलामु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज अगर और बुलंद हो सकती है तो आवाज बुलंद करें अस्सलामु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह नेमते बाटता जिस संत वो जीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया लेखबर जल्द के लहरों की तरफ ध्यान गया लेखबर जल्द के लहरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया वो आपके नाकाम तमन्ना ही रही आए वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज की महफिल में खलीफा उर्दू सरकार के नाम हजरत वीर अख्तर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से पाक के मौके पर ये महफिल मुनक्किद है और हमारे हाफिज साहब कुल्ला और उनके रफ़ुका ने बड़ी मेहनत से ये महफिल सजाई है। देखिए आप लोग ये चाहते हैं कि लोग बैठे लेकिन मेरी नज़र जो देख रही है कि ये बेचारे बैठे कहाँ
क्योंकि जगह नहीं इनको बैठने के लिए, फिर हम मजबूर करेंगे बैठे, वो बैठ नहीं सकते। बहरहाल जो जहाँ है थोड़ी देर कोई गुफ्तगू वहीं से सुने, बहुत लंबी करने का मौका नहीं है। और इंशाल्लाह मेरे बाद खानवादे अशरफिया के चश्म चराग जो अपनी इल्मी हैसियत के एतबार से एक बुलंद पद रखती है, इंशाल्लाह तबारक हज़रत मुल्ला मुजाहिद इस्लाम का खिताब आपसे बात फरमाएंगे। थोड़ी देर कुछ मालूमात आपके दिलों की तहरीस पर पेश करने की सआदत हासिल की जाती है, लेकिन एक मरतबा गुजारिश है कि आशिकों की तरह बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعذور الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। आपने किसी मजहब में और किसी मसलक में मौत का दिन मनाने पे खुशियों के एतबार से नहीं देखा होगा। हर मजहब में मौत का दिन आता है, अब्बा की मौत, चचा की मौत, दादा की मौत, तो आदमी उस दिन गमगीन हो जाता है। लेकिन मजहब के एतबार से भी किसी की मौत का दिन आए तो लोग जो जज्बाती होते हैं, गमगीन होते हैं, कब में टूट जाते हैं। और दूसरे मसला लोगों का कम ताजा हो जाता है, लेकिन मसलक है, एक मजहब है, मजहब इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत, इन लोगों को बता दिया है कि जब मौत का दिन आता है तो ये उर्स मनाते हैं और मसलक है वो खुशी के मौके को कहते हैं। हर जगह, हर जगह मौत के दिन इंसान गमगीन होता है, लेकिन अहले सुन्नत एक ऐसा मसलक है और मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है कि जब भी हमारे बड़ों की मौत का दिन आता है तो उस दिन हम खुशियां मनाते हैं। आखिर बताएं कि मौत की भी कोई खुशी मनाता है तो आखिर वो क्यों परेशान होते हैं और हम लोग खुश क्यों होते हैं? तो वजह यह है कि औरों को यकीन नहीं है कि जाने वाला गया कहां, और उनको इत्मीनान नहीं है कि जाने वाला गया कहां। लेकिन अल्लाह अहले सुन्नत इतना नाकाबिल तर्दीद यकीन रखते हैं कि हमारे बुजुर्ग जहां गए हैं वहां कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के लिए कुरान कहता है जब वो जाते हैं या अय्यतु हन नफ्सुल मुतमईना इरजई इला रब्बिकी राजियतन मर्दिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब वो दुनिया से जाते हैं तो अल्लाह फरमाता है ऐ नफ्से मुतमईना आ आ अपने रब की तरफ पलट जा, ऐ नफ्से मुतमईना खुदा की जन्नत रिजा में दाखिल हो जा और अल्लाह के खास बंदों में दाखिल हो जा। अब मुझे बताओ अगर कोई काबा देखने जाए तो घर वाले कितनी खुशी मनाते हैं और कोई रब की बारगाह में हाजिरी के लिए जाए तो ये मकाम खुशी का नहीं है तो फिर कैसा मकाम? बल्कि वो लोग अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, रब की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के कानून पे चल के जिंदगी गुजारते हैं। मेरे आका ने सलाम ये नारे सुभान याद रखना, क्या इज्जत तो हर नफ्स मुतमईना ये सबके लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए नहीं है। उस वक्त पर जब कदम अल्लाह को राजी न करने, खुदा के कानून पर जिंदगी न गुजारे, आज के मैंने इस आयत करीमा की तिलावत की है। इस मुल्क से बात मौके पर बात में आपको ये भी बता दूं, अगर वाकई आप अल्लाह को राजी कर ले तो हमारे मानने वाले हमारा उर्स करें या ना करें, किसी को मानने वाले उसका उर्स करें या ना करें, अगर अल्लाह राजी है तो उसकी कब्र पर इंसानों की भीड़ लगे ना लगे, जिससे खुदा राजी होता है वहां अल्लाह फरिश्तों की भीड़ लगा।
मजार पर रहमत और नूर की बरसात होती है। कुरान कहता है इन्ना रहमत अल्लाह ही करीमुन मिन अल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत उसके नेक बंदों के करीब है। अल्लाह हम भी नेक बने, अल्लाह को राजी करें।